ये आज का टॉपिक शुरू करते हैं, जो कि है संख्या पद्धति। एकदम शुरू से हम लोग हर कॉन्सेप्ट को समझते हुए पढ़ेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि क्वेश्चन और हर क्लास का पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी इसके डिस्क्रिप्शन में दे दिया जा रहा है, ठीक है? तो आप लोग उसको भी ज्वाइन कर लो ताकि पीडीएफ आपको मिलता रहे, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिलता रहे, ठीक है? तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। संख्या पद्धति शुरू करने के लिए, देखिए, सीखने के लिए सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि संख्याएं किस किस तरह की है, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सी संख्याएं हैं। संख्या के प्रकार में सबसे पहले आता है प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। ये क्या है समझिए। देखिए, प्राकृत संख्या क्या होती है? गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। इसका परिभाषा लिख लीजिए कि गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये कहाँ तक जाएगा भाई? अनंत तक जाएगा, ठीक है? इस तरह का साइन, ये जो सिंबॉल है, इसको हम लोग अनंत या अपरिभाषित कहते हैं, ठीक है? ये अनंत का सिंबॉल है। तो गिनती की सभी संख्याएं क्या है? प्राकृत संख्या है। अब प्राकृत संख्याओं के परिवार में जब शून्य को भी आप शामिल कर लीजिएगा तो क्या बन जाएगा? पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या कहाँ शुरू हो रहा है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये भी कहाँ तक जाएगा? अनंत तक। अब पूर्णांक संख्या क्या है? तो पूर्णांक संख्या क्या है? जब हम लोग 0 से लेके जो पूर्ण संख्याएं थी उसके परिवार में नकारात्मक संख्याओं को भी मिला लेंगे, ऋणात्मक संख्याओं को भी मिला लेंगे, ठीक है? ऋणात्मक संख्याओं को भी मिला लेंगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? पूर्णांक संख्याएं। तो पूर्णांक संख्या कहाँ तक है भाई? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ऐसे करके प्लस अनंत तक भी है, और -1, -2, -3, -4 ऐसे करते हुए माइनस अनंत तक भी गया हुआ है, ठीक है? तो ये है पूरा पूर्णांक संख्याओं का परिवार। अब इसमें कोई कह सकता है कि सर -3/4 भी हो सकता है क्या, या -7/8 भी हो सकता है क्या? तो नहीं, ये सब भिन्न की कैटेगरी है, ये पूर्णांक संख्याएं नहीं है। उसी तरीके से कोई 1/2 को कहे कि ये पूर्ण संख्या होगा क्या? नहीं, ये पूर्ण नहीं है, ये भिन्न है, ठीक है? तो इस बात का ध्यान रखना है कि भिन्न अलग तरह की संख्याएं हैं और प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक संख्याएं वो अलग है, ठीक है? अब देखिए, इसमें जानने के लिए क्या है? सम संख्या और विषम संख्या, ये भी आप लोग जानते हैं। सम संख्या क्या है भाई? जो 2 के पहाड़ा में आता है, सारी सम संख्याएं, मतलब जो 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं हैं उसको हम लोग सम संख्या कहते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12 कहाँ तक जाएगा? ये भी अनंत तक जाएगा, है ना? अब 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं अगर सम संख्या है तो 2 से जो संख्या विभाजित नहीं होगी वो सब विषम संख्या होगी। जैसे 1, 3, 5, 7, ये सब क्या है? विषम संख्या। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, इस तरीके से ये भी अनंत तक जाएगा, ये सब विषम संख्या है। लड़के अक्सर ये गलती करते हैं कि सम संख्या जब पूछा जाए तो वो तो कहते हैं कि 2 से विभाजित होने वाली संख्या है सम संख्या है, और विषम संख्या पूछा जाए तब कहते हैं कि 3 से विभाजित होने वाली संख्या विषम संख्या है। तो ऐसा नहीं है, इस कन्फ्यूजन को दूर कर लीजिए। 3 से तो भाई 3, 6, 9, 12, 15, 18, ये सब जो है 3 से कटता है। लेकिन अगर कोई 6 का बात करे तो 3 से तो कटता ही है, 2 से भी तो कट रहा है ये। तो 6 एक सम संख्या है, 12 एक सम संख्या है, 18 एक सम संख्या है, ठीक है? तो कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। विषम संख्या का परिभाषा हम लोग ये कहेंगे कि जो संख्या 2 से विभाजित नहीं हो वो विषम संख्या है, ठीक है? आए बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं मतलब जो संख्याएं केवल 1 से कटे और स्वयं से कटे। इसका परिभाषा आप ये लिखिएगा कि वैसी संख्याएं जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, कौन कौन से? 1 और स्वयं, ठीक है? जैसे कि देखो 5 है, 5 किससे किससे कट रहा है? या तो 1 से लग रहा है या 5 से लग रहा है, तो इसके कितने गुणनखंड है? केवल 2। ये किसी और से तो नहीं कट रहा, तो चूंकि ये किसी और संख्या से नहीं कट रहा इसीलिए इसको अभाज्य कहते हैं, मतलब ये भाग नहीं लग रहा है ना, किसी और संख्या से भाग नहीं लग रहा है इसमें। अभाज्य संख्याओं को ही रूढ़ संख्या भी कहा जाता है। तो अगर एग्जाम में रूढ़ संख्या शब्द मिले तो इसको अभाज्य संख्या ही समझना है। अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर, इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं, तो अभाज्य संख्या को ही हम लोग रूढ़ संख्या भी कहते हैं। इसके बाद क्या है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? 2। अब देखो 2 के बारे में अगर हम लोग देखते हैं तो 2 में 1 से भाग लगेगा या 2 से भाग लगेगा, है ना? तो 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, 2 से छोटा कोई नहीं है, 2 से छोटा कौन है? 1। अब 1 का 2 गुणनखंड तो है नहीं, 1 में किससे भाग लगेगा? केवल 1 से, तो इसको अभाज्य संख्या हम लोग नहीं कहते हैं, ठीक है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? 2। अब सम अभाज्य संख्या, ये बार बार पूछता है कि सम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो 2 एक सम अभाज्य संख्या है ना, 2 एक सम संख्या है। अभी पीछे हम लोगों ने देखा 2 में 2 से भाग लगता है,
तो दो एक सम संख्या है, साथ ही ये अभाज्य भी है, तो ये एक सम अभाज्य संख्या है। इसके अलावा कोई भी दूसरा संख्या ऐसा आपको नहीं मिलेगा जो सम हो और अभाज्य हो, क्योंकि दो के बाद अगला नंबर कौन है? चार। तो चार तो भाई अभाज्य है नहीं, चार को देखेंगे तो एक से भी भाग लगता है, दो से भी लगता है और चार से भी लगता है, इसके तीन तीन गुणनखंड हो गए, तो ये अभाज्य संख्या तो है नहीं, ये भाज्य संख्या है। ठीक है, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन है? तीन। तीन एक विषम संख्या है ना, दो से जिसमें भाग नहीं लगता वो तीन है, तो तीन का क्या है गुणनखंड? एक और तीन, इसके भी दो गुणनखंड है, साथ साथ ये दो से भी भाग नहीं लग रहा, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। एक से पचास तक कुल 15 अभाज्य संख्या है ना, और एक से 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्या है। आप अभाज्य संख्या अगर गिनना चाहें तो 2, 3, 5, 7, उसके बाद 9 नहीं, 11, 13, 17, 19 इस तरीके से करके आप 100 तक में गिनेंगे तो कुल 25 अभाज्य संख्या आएंगी, और 50 तक में गिनेंगे तो कुल 15 अभाज्य संख्या आएंगी। एक से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है उसकी लिस्ट यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक से 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्या है। ठीक है, 19, 23, 29, 31, 37 इस तरीके से याद रहना चाहिए ये सारा। इसके बाद देखिए, अभाज्य संख्या के बाद क्या होता है? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या है या कंपोजिट नंबर? वैसी संख्या जो एक तथा स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो उसे भाज्य संख्या कहेंगे। अब जैसे 2 और 3 तो हम लोगों ने देखा कि वो अभाज्य था, 4 उसके बाद आता है, 4 क्या होगा भाई? एक से भी लग रहा है, दो से भी लग रहा है, तीन से भी लग रहा है, तो इसके तीन तीन गुणनखंड हो गए ना। अब इसके चूंकि तीन तीन गुणनखंड है तो ये एक भाज्य संख्या है। फिर 5 क्या है? 5 में एक से लगता है या 5 से लगता है, तो ये अभाज्य है, तो ये भाज्य नहीं हुआ। 6 के बारे में अगर देखें तो एक से भी भाग लगेगा, दो से भी लगेगा, तीन से भी लगेगा और 6 से भी लगेगा, इसके 4-4 गुणनखंड है, तो 6 क्या है? एक भाज्य संख्या है। ठीक है, जिसमें भाग लग सकता है और भी किसी संख्या से। इसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, तो ये तो हम लोग देख रहे हैं। देखो 4 में भी 3 गुणनखंड है, 6 का भी निकाला तो 4-4 गुणनखंड है। ठीक है, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है? ये 4। 4 क्या है? सबसे छोटी भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके 3 गुणनखंड आए। सबसे छोटी समभाज्य संख्या भी 4 है, क्योंकि 4 एक सम संख्या है और सबसे छोटी भाज्य संख्या भी है, तो समभाज्य संख्या होगी ही। अब सबसे छोटी विषमभाज्य संख्या कौन है? अब देखो 6 सम संख्या था, ठीक है, भाज्य है लेकिन सम संख्या है। 7 के बारे में अगर बात करें तो 7 में 1 से भाग लगेगा और 7 से लगेगा, केवल 2 गुणनखंड है, तो ये भाज्य तो हुआ नहीं, अभाज्य है। अब 8 के बारे में बात करें तो भाई 1 से भी लगेगा, 2 से भी लगेगा, 4 से भी लगेगा और 8 से भी लगेगा, 4-4 गुणनखंड है, तो ये भी एक भाज्य संख्या है, ये अभाज्य नहीं है। इसके बाद बारी आती है 9 की। 9 एक भाज्य संख्या, क्योंकि 1 से भी लगता है, 3 से भी लगता है और 9 से भी लगता है, लेकिन साथ ही साथ 9 एक विषम संख्या भी है, 9 एक विषम संख्या भी है। तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन हुई? 9। ठीक है, क्योंकि इसके 3 गुणनखंड है, साथ साथ विषम संख्या है। और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन थी? तो वो थी 3, जो पीछे हम लोग देख चुके हैं। अब देखो संख्या 1 के बारे में क्या कहा जा रहा है, ये ना तो भाज्य है ना अभाज्य है, क्योंकि 1 के बारे में अभी अभी बात किया था पीछे हम लोगों ने कि 1 का केवल 1 गुणनखंड है, कौन? 1। 1 में 1 से ही भाग लगता है, कोई दूसरा गुणनखंड भी होना जरूरी है अभाज्य संख्या होने के लिए। अभाज्य संख्या का परिभाषा था कि कम से कम 2 गुणनखंड हो, लेकिन 1 का तो 2 गुणनखंड है ही नहीं, अकेले है ये, तो ये अभाज्य नहीं है। अब जब अभाज्य नहीं है, मतलब 2 गुणनखंड ही नहीं है इसके, तो 2 से ज्यादा गुणनखंड कहां से होंगे? 2 से अधिक गुणनखंड इसके तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि 2 ही नहीं है तो 2 से अधिक कहां से होंगे, तो ये ना भाज्य है और ना अभाज्य है, तो इसको याद रखना है, ये अलग कैटेगरी है। एक एक ऐसी संख्या है जो न भाज्य है न अभाज्य। आ रहा बात समझ में? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ही कॉन्सेप्ट कि ट्विन प्राइम नंबर्स मतलब जुड़वा अभाज्य संख्या कौन सी है। देखो ये जुड़वा, यहाँ पे सहनी जुड़वा, जुड़वा ट्विन मतलब क्या होता है? जुड़वा है ना, ट्विन ब्रदर्स, जुड़वा भाई कहते हैं ना, ट्विन टावर्स। तो जुड़वा अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है? अभाज्य संख्याओं का समुच्चय जिनका अंतर 2 होता है उसे हम लोग जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? जुड़वा अभाज्य संख्याएं। जैसे 3, 5, 5, 7, 11, 13 ये सब अभाज्य संख्याएं, लेकिन साथ साथ इनका अंतर कितने का है? 2 का। 19, 17 इसका अंतर क्या है? 2 का। तो ऐसी संख्याएं जिनका अंतर, ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर 2 होगा उसको हम लोग जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहेंगे। ठीक है, तो 17, 19 उसके बाद 29, 31 इस तरीके से
एक से सौ के बीच में कुल आठ जोड़े जुड़वा अभाज्य संख्याएं हैं। तो अभाज्य संख्याओं का पीछे लिस्ट आप लोगों को दिया हुआ है, आप लोग सोच के कमेंट में बताइए कि ये आठ जोड़े कौन कौन से होंगे। चार पांच तो यही हो गए, बाकी के तीन आपको सोच के कमेंट में बताना है। कमेंट में जरूर अपनी बात बताइए कि समझ में आ रहा है कि नहीं, थोड़ा सा आप लोगों का रिस्पॉन्स भी रहेगा तो अच्छा लगेगा कि ये कम्युनिकेशन हो रही है, चीज़ें समझ में आ रही है, मैं जो बताना चाह रहा हूँ, जो मेहनत कर रहा हूँ वो कहीं ना कहीं सफल हो रहा है। ठीक है, ये हुआ जुड़वा अभाज्य संख्या। इसके बाद नेक्स्ट देखिए सह अभाज्य संख्याएं क्या है, को प्राइम नंबर्स। वैसी संख्याएं जिनका एक के अलावा कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है उसको हम लोग सह अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखो 9 और 14, इसमें कहीं भी अभाज्य संख्या होना जरूरी नहीं है, 9 भी भाज्य है और 14 भी भाज्य। देखो 9 क्या है, 9 के कौन कौन गुणनखंड है, 1 3 और 9, और 14 के कौन कौन से गुणनखंड है, 1 2 7 और 9, सॉरी 14। ठीक है, 14 के ये चार गुणनखंड है, 9 के ये तीन गुणनखंड है। तो जब चार गुणनखंड और तीन गुणनखंड है तो ये अभाज्य संख्या तो है ही नहीं, लेकिन इन दोनों के बीच आपस में इस एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो 9 और 14 को हम लोग क्या कहेंगे भाई, इसको हम लोग कहेंगे सह अभाज्य संख्या। ठीक है, जिसका गुणनखंड केवल, मतलब जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक हो, एक के अलावा कोई दूसरा ना हो। 12 23 जो है, 12 जो है 1 2 3 4 6 और 12 से कटता है ना, और 23 किससे कटता है, 1 और 23 से। तो भाई एक के अलावा कोई दूसरा कॉमन नहीं है, तो 12 और 13 क्या है, सहभाज्य संख्या। इसी तरीके से 15 17 22 ये तीन नंबर को भी लेके हम लोग सहभाज्य कर सकते हैं। तो चूंकि एक ही इसका कॉमन फैक्टर है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि इसका मसा जब निकालोगे तो एक ही आएगा। सहभाज्य संख्याओं का मसा क्या होता है, एक होता है हमेशा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है, ये सहभाज्य संख्या है। इस वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं ताकि ज़्यादा लंबा ना हो जाए। मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, कॉन्सेप्ट को समझते रहिए, और अगर कुछ भी समझ में ना आए तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि यहाँ पर सर ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया। ठीक है, उसका पूरा एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।